हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल कमर्स पॉइंट। जैसे कि आप इस वीडियो की हेडिंग देख रहे हैं, 10 टिप्स टू क्रैक जॉब इंटरव्यू पार्ट 1। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपके इंटरव्यू को ना कि आसान बना देंगे बट आप उसको इजीली क्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो मे बी योर इंटरव्यू कैन बी सक्सेसफुल एंड इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। तो लेट स्टार्ट विद दी फर्स्ट टिप। पहली टिप है ओवरकम दी फियर ऑफ रिजेक्शन एंड लूजिंग। इंटरव्यू जो होता है वो एक जॉब लेने के लिए जब आप जाते हैं तो पैनलिस्ट के सामने अगर आपके पास फियर है या आप मंबल या फंबल करेंगे या उनके सामने घबराएंगे या एंग्जाइटी होगी या डर होगा तो वो आपके फेस पे शो होगा। उससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यूअर पे, उस पैनलिस्ट पे, और वहाँ पर आपकी एक नेगेटिव अप्रोच शुरू हो जाएगी। तो इसका बेस्ट टिप यही है कि आप उस फियर जो आपको है दिमाग में कि मैं इस इंटरव्यू में क्या होगा, मेरे को रिजेक्ट कर देंगे या निकाल देंगे, तो ऐसी चीज़ें सोचनी बंद कर दीजिए। जस्ट आप ऐसे ही परफॉर्म कीजिए इन एन इंटरव्यू जैसे कि आपको वो जॉब नहीं चाहिए। ऐसे परफॉर्म करेंगे तो वो फियर, वो रिजेक्शन का डर आपके मन में नहीं होगा एंड आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पुट कर सकते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैनी स्टूडेंट्स या मैनी कैंडिडेट जो होते हैं उनको एक इंटरव्यू ट्रॉमा हो जाता है या इंटरव्यू फोबिया हो जाता है। ऐसे फोबिया आपको आप ओवरकम ईजिली कर सकते हैं इस टिप को यूज़ करके। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट टिप, अंडरस्टैंड द जॉब रिक्वायरमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो जॉब आपके लिए क्या चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्किल सेट उन पर्संस को चाहिए। अगर आपको जॉब के बारे में नहीं पता या फिर आप उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हैं या उस वो स्किल सेट आपके पास नहीं है और आप एक हाई लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपने लेवल से लो लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो इंटरव्यू आप इंटरव्यूअर पता लग जाएगा उसको और आप अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल आर यू ब्रिंगिंग इट टू द टेबल। दिस बेसिकली मीन्स कि आप इंटरव्यूअर या पैनलिस्ट को क्या सर्व कर रहे हैं। ये एक बिजनेस रिलेशन है, सिंपल सी बात है। अगर आपको उनसे सैलरी की चीज़ चाहिए तो वो भी आ चाहते हैं कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या देने वाले हो। अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन को गुड कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते तो वो आपको नहीं हायर करेंगे। तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, ठीक है, और वो चीज़ उनको दिखानी है जो उनको उस कैंडिडेट में चाहिए या वो ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सही चीज़ दिखाएं कि आपके अंदर ये स्किल सेट है, आप कोडिंग कर सकते हैं, आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपके वर्क आवर्स इतने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाइए। प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नाउ अगर मैं आपको सही बताऊं तो अगर इस पॉइंट पर आपने थोड़ा सा वर्क कर लिया तो 80% क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं वो आपको पहले से पता लग सकते हैं और आप अपना होमवर्क करके जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज इंटरव्यू के क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम फॉर द कैंडिडेट्स। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोलीग है जो उस पोजीशन पे वर्क कर रहा है किसी और कंपनी में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या उसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में और उन क्वेश्चंस के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि टिपिकल सेम होते हैं थ्रू आउट, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हर जगह पूछा जाता है और हमने भी इस क्वेश्चन को अपने पहले वीडियो में लिया है इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो आप वर्कआउट करिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ओके, और टेल सम वीक पॉइंट्स अबाउट योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकेंगे, घबराएंगे नहीं और इंटरव्यूअर के सामने एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकेंगे।
अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र होगा और इंटरव्यूअर विल हायर यू. नेक्स्ट पॉइंट, नेवर फॉर्ज और फैब्रिकेट योर CV. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि अपने CV को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कि नकली CV में वो उन्होंने कुछ किया नहीं होता, उसमें जस्ट दिखावे के लिए लिख देते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि हमने ये सब कुछ अचीव कर चुके हैं, हमने इतना इतने और यहाँ पर काम करा था, इतनी सैलरी ले रहे थे, ठीक है, या ये मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. बट वो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती या वो गलत एक्सपीरियंस शो करते हैं. तो अगर आप अपना CV को फॉर्ज करेंगे, गलत बताएंगे जो कि आपने नहीं करा है, तो जो इंटरव्यूअर होता है ही इज़ वेरी क्विक थिंकर और वो ईज़िली भांप जाएगा कि ये कैंडिडेट मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है. और अगर आपने थोड़ा सा भी उसको शक हुआ कि आप उनको गलत गाइड कर रहे हैं या गलत उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लीजिए, यू विल बी आउट फ्रॉम दी रेस. आपको इंटरव्यू से निकाल दिया जाएगा एंड आपका वो कभी भी दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि कैंडिडेट ने CV गलत बनाया है. सो नेवर, अपने CV को कभी छेड़छाड़ मत कीजिए. जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दिखाइए, कम है कम दिखाइए, ज़्यादा है ज़्यादा दिखाइए, बिकॉज क्वेश्चंस वुड बी पुट अपॉन दैट ओनली और वो आपका पता लग ही जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, नेवर आर्ग्यू विद द इंटरव्यूअर. कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि इंटरव्यूअर प्रेशराइज करने के लिए कैंडिडेट को या देखने के लिए ये किस तरह से क्वेरीज़ को हैंडल कर सकता है या किस तरह से इसकी टेक्निक है क्लाइंट हैंडलिंग की या मार्केटिंग की कैसी टेक्निक है, तो वो प्रेशर बिल्डअप करते हैं कैंडिडेट के ऊपर जो कि इंटरव्यू देने आया होता है. और किस टाइम क्या होता है कि इस प्रेशर को कैंडिडेट नहीं ले सकता और वो क्या करता है, उनको गलत प्रूव करने की कोशिश करता है, पैनलिस्ट के साथ आर्ग्यू करना शुरू हो जाता है, उनको बताता है कि आपने गलत क्वेश्चन पूछा है या जो आप बोल रहे हो वो गलत है. तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए. देन प्रेशर इज़ बीइंग बिल्ड, आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है और आप उस प्रेशर को नहीं ले पा रहे, तो वो पता लग जाता है उनको कि ये सूटेबल कैंडिडेट नहीं है. तो ये रिमेंबर कीजिए, जो भी पैनलिस्ट होगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा, ही वुड बी मच एक्सपीरियंस्ड, तभी वो वहाँ पर बैठा है और आपकी पोजीशन का इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको वो पोजीशन का पूरा आइडिया है, वो जो बोलेगा वो सही है. यू हैव टू एक्सप्रेस योर पॉइंट. ये बात नहीं है कि आपने पॉइंट नहीं एक्सप्रेस करना, बट ये नहीं है कि गलत वे में उसको आर्ग्यू करना है या उसको गलत शो करना है. अगर ये करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी. नेक्स्ट पॉइंट, बी ऑनेस्ट एंड फ्लेक्सिबल. ऑनेस्टी का मतलब ये है कि देखिए, एक जो कंपनी होती है वो एक एम्प्लॉय को अपने पास जॉब देती है, तो वो सिर्फ उसका स्किल सेट नहीं लेती, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी. आपका एक ग्राउंड चेक भी किया जाता है. अच्छी कंपनीज जो हैं आपके पुराने एम्प्लॉयर से पता करती हैं कि ये कैंडिडेट ऑनेस्टी के लेवल में कैसा है, हमारा डेटा बाहर तो नहीं निकालेगा या हमारी कंपनी के साथ कोई बैक बिचिंग तो नहीं करेगा या हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ हाथ तो नहीं मिला लेगा. सो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने जॉब को लेकर और यही चीज़ आपकी बिल्डअप हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूअर्स या ऑर्गेनाइजेशन को कन्वे हो जाएगी कि दिस कैंडिडेट इज़ नॉट ऑनेस्ट और वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी. फ्लेक्सिबल तो आपको होना ही पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन. जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसी उनकी डिमांड है. आस्क फॉर दी फीडबैक एट दी एंड ऑफ दी इंटरव्यू. जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाए, उसके बाद यू कैन आस्क योर पैनलिस्ट, यू कैन आस्क योर इंटरव्यूअर, सर प्लीज़ गिव अ फीडबैक अबाउट माय इंटरव्यू. आपका इंटरव्यू पाए अच्छा हुआ हो या आपको लग रहा हो बुरा हुआ हो, बट आपको अपना फीडबैक ज़रूर मांगना चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे लगता है इंटरव्यूअर को, जो कैंडिडेट है वो सीखना चाहता है लाइफ में, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ हिज परफॉर्मेंस वॉज, एंड दिस वुड हेल्प विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो फीडबैक ज़रूर लीजिए अपने पर्टिकुलर इंटरव्यू के बारे में अपने पैनलिस्ट से. सैलरी नेगोशिएशन. जब
HR राउंड आता है तो सैलरी इज आस्ट टू एंड एवरी पर्सन एवरी कैंडिडेट सैलरीज आर आस्ट। और वो सैलरी मत डिमांड कीजिए जो कि अनबिलीवेबल हो अनएक्सपेक्टेबल हो या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि उसे साफ पता लग जाता है कि ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है। अपना होमवर्क करके जाइए कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है इस एक्सपीरियंस जो भी आपकी पोस्ट है और उस जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कितनी आपको सैलरी मिल सकती है। और अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए जॉब चेंज कर रहे हैं स्विच कर रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपको पता होना चाहिए कि डैट ओनली 20-25% हाइक मतलब कि सैलरी इंक्रीज़ आपको एक कंपनी दे सकती है। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाउ मच सैलरी यू आर गोइंग टू डिमांड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेवर डिच द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग दी जॉब। कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, जॉब ऑफर ले लेते हैं, देन व्हाट दे डू इज़ वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने ऑफ़र लेटर लिया होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं और पे भी इंटरव्यू दिया होता है, वहाँ पर भी उनको अच्छा ऑफ़र मिल जाता है। तो ये अगर आप यहाँ तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए ऑफ़र, ऑफ़र लेटर लीजिए मत। अगर आपने ऑफ़र लेटर ले लिया है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को उनको जो कमिटमेंट्स करी हैं आपने उस पर पूरा उतरिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि नेटवर्किंग का ज़माना है, वेरी स्मॉल वर्ल्ड है, एक दूसरे के साथ लोगों के टाई अप्स होते हैं, आप कभी भी हाई लेवल पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते अगर ये चीज़ करेंगे। बिकॉज इंटरव्यूअर्स को पता लग जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये ऐसे काम करता है, बैकआउट कर जाता है एक जॉब ऑफर लेने के बाद। तो आप छोटी मोटी हाइक्स तो पालेंगे बट इफ़ यू वांट टू रीच द टॉप लेवल मैनेजमेंट तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। नाउ दिस फिनिशेज माई वीडियो और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल को कमर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे ये पर्टिकुलर वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि हम ऐसी वीडियोस और डालें और क्या उनके टॉपिक्स होने चाहिए। योर सजेशंस आर वेलकम एंड आई रियली थैंक यू फॉर हैविंग अ पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।